अर्थव्यवस्था राजनीति के लिए अच्छी है। इन्हीं शब्दों में मोदी सरकार की नोटबंदी की आलोचना करने वाले अभिजीत बैनर्जी को इस साल के इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके साथ एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को भी 2019 का इकोनॉमिक्स नोबेल दिया जाएगा। तीनों को 10 दिसंबर को नोबेल से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल अकादमी ने लिखा है कि तीनों को ये सम्मान विश्व में गरीबी को कम करने की दिशा में उनके प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए दिया जा रहा है। अभिजीत बैनर्जी कौन है आप एक बार समझ लें। अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स में नोबेल पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले अमर्त्य सेन को ये सम्मान मिल चुका है। 1961 में मुंबई में अभिजीत बैनर्जी का जन्म हुआ। बैनर्जी के साथ नोबेल पाने वाली एस्थर डफलो उनकी पत्नी भी हैं। वह इकोनॉमिक्स का नोबेल पाने वाली दूसरी महिला हैं। डफलो फ्रांस की रहने वाली हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने अपने शपथ पत्र में एक वादा किया था, 5 करोड़ गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम आय योजना यानी न्याय योजना, इससे मिनिमम गारंटी स्कीम नाम दिया गया। वादा किया गया कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को महीने में 6,000 यानी कि सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। ये स्कीम अभिजीत बैनर्जी के दिमाग में उपज थी। हालांकि उन्होंने 6,000 प्रति माह की नहीं उससे कम का प्लान दिया था। अप्रैल 2017 में जयपाल ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें बैनर्जी ने नवम्बर 2016 में लागू हुई नोटबंदी पर प्रेजेंटेशन दिया था। इस प्रेजेंटेशन में बैनर्जी ने नोटबंदी लागू करने के पीछे मोदी सरकार ने जो भी तर्क दिए थे उन्हें अपने तर्कों और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खारिज किया था। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का फायदा होने की बजाय उसका दबाव अधिक पड़ा। लोग परेशान अधिक हुए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि मोदी सरकार ने देश हित में ये कदम उठाया है। नतीजतन बीजेपी की राजनीति पर इसका पॉजिटिव असर हुआ। हालांकि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से अभिजीत बैनर्जी को बधाई दी। आपको चलते चलते एक जानकारी ये भी दे दूं कि इकोनॉमिक्स के लिए मिलने वाला नोबेल प्राइज नोबेल अकादमी नहीं देती, ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक स्वेरिजस रिक्स बैंक देती है। ये अवार्ड 1968 में शुरू हुआ था। बैंक नोबेल अकादमी को डोनेशन देता है, उस डोनेशन से यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज न होकर द स्वेरिजस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।